Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Quest India. दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एडवर्टीजमेंट आई हुई है और ये पोस्ट PGT TGT के बारे में बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं. मैं आपको जस्ट रिमाइंड करवाना चाहता हूं क्योंकि एडवर्टीजमेंट आ गई थी इसकी 9 जुलाई को और ये हमारे सामने आ गया था 10 जुलाई को. हम ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते थे. जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से है और यहाँ पे ओपनिंग डेट और टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई 2019 है. परंतु अब मैं इसको इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आज तारीख हो गई है 4 अगस्त 2019 और इसकी लास्ट डेट है, यानी कि क्लोजिंग डेट है, वो है 9 अगस्त 2019. 4-5 दिन इसमें बचे हुए हैं. यदि आपने नवोदय विद्यालय का फॉर्म अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो आपको तुरंत ही अप्लाई कर देना चाहिए. इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि फी के लिए आपको कुछ टाइम और दिया गया है और 12 अगस्त 2019 तक आप दोपहर के 12 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो ये चीज़ें आपको बड़े ध्यान रखनी चाहिए, किस किस एडवर्टीजमेंट आई हैं, कौन सी पोस्ट आई हैं. नवोदय विद्यालय के लिए आप ज़रूर अप्लाई करते हैं यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप पीजीटी टीजीटी के लिए कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अवलोकन हम कर लेते हैं इसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर. यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे होंगे, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 है. यहाँ पे पोस्ट कौन सी है, असिस्टेंट कमिश्नर की, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, मिसलेनियस पोस्ट भी यहाँ पे कुछ दे रखी हैं, कैटेगरी ऑफ द टीचर्स की हैं, लीगल असिस्टेंट की हैं, फीमेल स्टाफ नर्स की हैं, कैटरिंग असिस्टेंट की हैं और लोअर डिवीजन क्लर्क की हैं जो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के अंदर हैं. किसी भी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगी या रीजनल ऑफिस में होगी वो बाद में पता चलेगा. इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट कहाँ पे हैं. यदि अभी तक आपने ये नहीं देखी हैं तो आपको तुरंत ही इसको देख लेना चाहिए और अप्लाई कर देना चाहिए. जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट दिखा रखी हैं. पीजीटी की बात करें तो जो हमारा मेन फोकस होता है वहाँ पर पोस्ट अलग अलग 11 कैटेगरी में दिखा रखी हैं. जैसे बायोलॉजी की हैं 43 पोस्ट टोटल हैं, केमिस्ट्री की 45 हैं, कॉमर्स की 16 हैं, इकोनॉमिक्स की 63 हैं, इंग्लिश की 37 हैं, ज्योग्राफी की 38 हैं, हिंदी की 35 हैं, हिस्ट्री की 46 हैं, मैथमेटिक्स की 48 हैं, फिजिक्स की 39 हैं और कंप्यूटर साइंस की 20 पोस्ट यहाँ पे शो कर रखी हैं. और TGT की बात करें तो TGT की पोस्ट भी बहुत सारी हैं. जैसे इंग्लिश में खासकर फोकस है, 279 पोस्ट यहाँ पे हैं, हिंदी की 320 पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स की 256 हैं, साइंस की 139 हैं, सोशल स्टडीज़ की 160 पोस्ट यहाँ पे शो कर रखी हैं. और मिसलेनियस कैटेगरी में जाएं तो जैसे म्यूजिक की हैं, आर्ट की हैं, पेट मेल की हैं, पेट फीमेल की और लाइब्रेरियन की पोस्ट भी यहाँ पे शो कर रखी हैं. और बहुत सारी पोस्ट है, जैसे आर्ट की देखोगे 130 हैं, पेट फीमेल की 105, मेल की 148 हैं. टोटल पोस्ट यहाँ पे हैं 564 है. और TGT की बात करेंगे तो 1154 पोस्ट हैं और कुल मिला के यदि PGT की टोटल पोस्ट यहाँ पे देखोगे आप तो वो हैं 430 पोस्ट है. उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे वो हैं 55, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है 1. तो यदि आप किसी भी कैटेगरी के अंदर फिट बैठते हैं तो आपको तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए. लोअर डिवीजन क्लर्क की 135 हैं और कैटरिंग असिस्टेंट की हैं टोटल 26 पोस्ट. और जो NVS की साइट है वो है nvsrect2019.org. इसके ऊपर आप चले जाएंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा. आप इसको पूरे इम्तिहान से, आप इसको पूरा टाइम देके इसको पढ़ लेना और पढ़ने के बाद आप फाइनल डिसीजन लेके इसके अंदर तुरंत ही आपको अप्लाई कर देना चाहिए. यहाँ पे यदि हम PGT की बात करेंगे तो उसके अंदर BA डिग्री मांग रखी है. BA आपके पास होनी चाहिए, TGT के अंदर आपका CTET होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें. बाकी चीजें सब नॉर्मल है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं. हाँ, इसके अंदर जो असेंशियल क्वालिफिकेशन उस पर आप याद रखें कि यहाँ पे 50% मार्क्स मांग रखे हैं. जनरल के लिए 50% मार्क्स हैं और कैटेगरी वाइज छूट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी. उसके बाद में यहाँ पे आपका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन दे रखा है. जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपके पास यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी इस प्रकार है, 15 की, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की और लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट है 40 मार्क्स का, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का और एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो 90 मार्क्स का, टोटल आपके हो जाएंगे 180.
और यदि आप पीजीटी की बात करोगे तो पीजीटी का भी लगभग लगभग यहाँ पे सेम है, परंतु इसके अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे जरूर बदल जाती हैं। जैसे कि आप देखोगे रीजनिंग एबिलिटी है वो 15 की और जनरल अवेयरनेस 15 की जो सेम है, टीचिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का और सब्जेक्ट का नॉलेज यहाँ पे हो जाता है 100 का और टोटल आपके 150। उसके बाद में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसके अंदर इंग्लिश या हिंदी के जो 15-15 नंबर होंगे वो टोटल हो जाएंगे आपके 30 मार्क्स। यदि आप टीजीटी के लिए देखोगे तो रीजनिंग एबिलिटी आपकी 10 है, जनरल अवेयरनेस आपकी 10 है, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 का और जनरल नॉलेज आपका 100 का, टोटल आपके 135 और हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर जैसा मैं बता रहा था पहले भी पीजीटी के अंदर वो हो जाएगा आपका 15 मार्क्स का। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की गई है, वो की गई है रीजनल लैंग्वेज, वो 15 मार्क्स की है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 33 यानी 1/3 मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, आपको 1/3 मार्क्स यहाँ पे लेने हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में आप शेयर लाइक और कमेंट भी जरूर करें। यदि आपकी किसी प्रकार की और क्वेरी बनती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।